नमस्कार, मैं जिग्नेश, ऑल्ट न्यूज से। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरें और गलत सूचनाओं पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वीडियो और तस्वीरों का उपयोग करके मुस्लिम और कश्मीरी विरोधी एजेंडे के तहत इन दोनों समुदायों पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा गया था। एक वीडियो जिसमें पुलिस एक समुदाय विशेष पर लाठी चला रही है और उन्हें बिखेरने की कोशिश कर रही है, उसे सोशल मीडिया पर एक व्यंगात्मक मैसेज कि देखो कैसे कश्मीर में प्रसाद बंटना शुरू हो गया है के साथ साझा किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज़ ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि यह वीडियो 2015 का है और ये कश्मीर से असंबंधित है। पुलिस पटना के गर्दनीबाग स्टेडियम से सीएम हाउस तरफ जा रही मुस्लिम शिक्षकों की विरोध रैली को कथित तौर पर रोकने की कोशिश कर रही थी। डीडी न्यूज़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये कह के शेयर किया गया था कि वो कश्मीर में हो रहे लाइव एनकाउंटर को दर्शाता है, पर ऑल्ट न्यूज़ ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो हमने पाया कि ये भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का पुराना वीडियो है। वीडियो डीडी न्यूज़ के एक स्पेशल रिपोर्ट का हिस्सा था, जहां पर वे दर्शकों को ये दिखाना चाहते थे कि कैसे भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढ निकालती है। इस वीडियो का आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित चौबटिया मिलिट्री स्टेशन में शूट किया गया था। एक ट्विटर उपयोगकर्ता जो कहती हैं कि वे इस्लामाबाद पाकिस्तान की रहने वाली हैं, उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनल मिरर नाउ का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ये दावा किया कि भारत सरकार ने कश्मीर में ईद के मौके पर दी जाने वाली पशुओं की बलि पर रोक लगा दी है। कई अन्य ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने एक और स्क्रीनशॉट साझा करते हुए यह समान दावा किया था। मिरर नाउ की संपादक फे डिसूजा ने ट्विटर पर चल रहे स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए उसे फेक बताया और कहा कि इसे फोटोशॉप किया गया है। बात करें दूसरे स्क्रीनशॉट की तो उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जिस रिपोर्टर का हवाला देकर स्क्रीनशॉट में जो खबर दिखाई जा रही है वो दरअसल केरला की बाढ़ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक संदेश काफी वायरल था। संदेश में ये चेतावनी दी जा रही थी कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर मुस्लिम एकता शक्ति प्रदर्शन का आयोजन हुआ है, तो मध्य दिल्ली की तरफ ना जाए। संदेश का ये भी कहना था कि कार्यक्रम में 2 से 4 लाख मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, पर यह कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन नहीं है। असल में 5 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर मुसलमान और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मॉब लिंचिंग के विरोध में एक रैली रखी थी। इस कार्यक्रम को मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया था और इसके अलावा ऑल्ट न्यूज़ ने दिल्ली पुलिस से इस कार्यक्रम की पुष्टि ली थी। इंटरनेट में उपलब्ध इस कार्यक्रम के अन्य वीडियोस को हमने सोशल मीडिया में साझा किए गए वीडियो से तुलना की और दोनों ही वीडियोज़ में हमें काले और सफ़ेद रंग के झंडे नज़र आए। ये झंडे जमियत उलेमा हिंद के हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस वीडियो में हमने ये दिखाया कि कैसे गलत खबरों द्वारा मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि कैसे पुराने वीडियोस से सोशल मीडिया पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कश्मीरी भारत सरकार के अनुच्छेद 370 पर लिए गए फैसले से नाखुश हैं और विरोध कर रहे हैं।